मेरे साथ काम नहीं आ रही थी उसके, क्योंकि बैक में पेन हो रहा था। तो लोगों के कमेंट आने लग गए, उल्टे फुलटे कहते कि तुम दोनों की बनती नहीं, अलाना फलाना 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 बलका। Hey guys, good morning, welcome to one new vlog। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही 10 बजे से। अभी तक मैं बस पढ़ रही थी, किताब खोल के बैठी हुई थी, ऐसी कुछ प्रमोशन थी वो निपटानी थी। तो नाश्ता वास्ता मैंने कर लिया, मैं सवेरे उठी तो मम्मी ने नाश्ता बना दिया था तब तक। तो बस मैंने जाके कमरे में मक्खी कहाँ से आ गई, तो जाके मैंने नाश्ता किया और सीधा मैं ऊपर आ गई अपना काम निपटाने के लिए। तो अब हो चुका है मेरा काम, और कमरे की हालत देखो ऐसी हो गई है, काम नहीं और गए हैं, मार्केट जा रखे हैं, उसके बैक में पेन हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है उसको। तो वो दिखाने गई डॉक्टर के पास, साथ में करण गया, दोनों के दोनों गए हैं मतलब। तो यहाँ से खलेरा बिखरा पड़ा, मैडम ने यहाँ कुर्तियाँ वगैरह निकाली इतनी सारी, और कुछ पसंद ही नहीं आई उसको, कुछ पसंद क्या, कुछ फिट नहीं आ रही थी, कुछ पसंद नहीं आ रही थी, कुछ ढीली हो रही थी, कुछ टाइट हो रही थी, ऐसे ही निकला मतलब उसका पूरा यहाँ पे, यहाँ का 1 घंटा उसका। तो अब फटाफट मैं करती हूँ पहले यहाँ साफ, पहले नीचे जाती हूँ कुछ खा लेती हूँ, मुझे भूख लग गई दोबारा। तो पहले मैं कुछ खा लेती हूँ, फिर मैंने वीडियो एडिट करनी है, फिर अपलोड भी तो करनी है, आपको टाइम पर वीडियो भी तो चाहिए है ना, कल वाली वीडियो। तो आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, मेरे लिए भी सरप्राइज ही था वो, मैं कह रही थी ना कुछ दिन पहले कि एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, जब मैं ससुराल चल जाऊंगी तब दिखाऊंगी आपको। तो खैर अभी पहले मैं नीचे चलती हूँ और कुछ खा के थोड़ा सा पेट पूजा करके आती हूँ, उसके बाद करूँगी कमरा वमरा साफ। तब अभी 10 बज रहे, खाना बनाने का टाइम तो अभी है दूर, खाना भी मैंने ही बनाना आज, तो तब तक मैं कुछ खा के आ जाती हूँ पहले। तो दोस्तों मैं दोबारा कमरे में आ गई हूँ और कपड़े वपड़े मैंने फोल्ड कर लिए फटाफट, मतलब इस कमरे की हालत मैं ठीक करती हूँ, और फिर उसके बाद काम नहीं और भी आने वाले होंगे, फिर मुझे खाना बनाना। आज तो मैं आलू की खिचड़ी और भात बनाऊंगी, बहुत दिन हो गए खाएंगी। तो पहले फटाफट कमरा संभालती हूँ, मैं समेटती हूँ, ठीक है। आज मामा अर्थ के एक बहुत ही प्यारे से प्रोडक्ट का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मामा अर्थ से मुझे एक प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, अंडर आई क्रीम है, विटामिन सी डेली ग्लो अंडर आई क्रीम। तो ये बिल्कुल नेचुरल है, आपको पता है कि मैं मामा अर्थ के जैसे मैं प्रोडक्ट यूज करती हूँ, कुछ भी प्रोडक्ट यूज करती हूँ तो मैं नेचुरली यूज करती हूँ, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये, ब्रांड है और प्लास्टिक पॉजिटिव और 100% सेफ है, इसको बच्चे बड़े सब मतलब यूज कर सकते हैं क्योंकि नेचुरल है ये। मैंने अपनी खुद की एक ऐप लॉन्च की है, तो आप वहाँ पे जाके अपने ऑर्डर परचेज कर सकते हो, और वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे डिस्काउंट और ऑफर्स पता चलेंगे। अपने ऑर्डर मामा अर्थ ऐप, मामा अर्थ वेब, नाइका, फ्लिपकार्ट, इन सब जगह से अपने ऑर्डर परचेज कर सकते हो। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, छोटा बड़ा कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, तो वो आपके नाम के एक थ्री लगाते हैं, जिसका आपको मेल कर देते हैं फोटो, और इन फ्यूचर अगर आप जाना चाहते हो वहाँ पे, तो अपने अपने नाम का वहाँ पे पेज देख सकते हो। नेक्स्ट आप इसकी क्वांटिटी भी देख सकते हो, काफी है, तो ऐसा नहीं कि आप एक बार मंगवा दिया तो बस हो गया, और नेचुरल है सबसे बड़ी बात। और इसको यूज कैसे करना मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, ये है ट्यूब इसकी, और ये और इसका रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, रिजल्ट भी बहुत जल्दी देखने को मिलता है इसका। इसके इंग्रेडिएंट्स भी काफी अच्छे हैं, एक्वा ग्लिसरीन सेमनीफेरा बेहनिल एल्कोहल एक्स्ट्रा, और साथ ही इसमें है विटामिन सी, और साथ ही डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड रही। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो तारा 2023, तो आपको मिलता है 20% डिस्काउंट। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, अपने ऑर्डर वहां से परचेज कर सकते हो, इजीली परचेज कर सकते हो मामा अर्थ ऐप, मामा अर्थ वेब, नाइका, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और पर्पल से, और साथ ही ऑनलाइन ही नहीं, आप अपने नजदीकी स्टोर से भी अपने ऑर्डर परचेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। तो गाइस खाना बनने लग गया, चावल रखे हुए वहाँ पे, और आज काफी टाइम था हमारे पास, तो पापा ने कहा, मम्मी और कह रहे थे मतलब कि चूल्हे में बना लेते हैं खाना, हम दिन का खाना आपने नोटिस किया होगा बहुत कम बनाते हैं इस चूल्हे में, पर आज जब टाइम है भी मतलब 11 बज रहे हैं, तो 12 बजे तक जब तक काम नहीं हो रहेंगे तब तक बन ही जाएगा खाना। तो मैंने कहा था ना आलू की खिचड़ी बनाऊंगी, तो आलू मूली की खिचड़ी बनी, आलू मूली और ये प्याज टमाटर काट के रखा है, तो चलते हैं बाहर, पापा बना रहे वैसे। देखो गाइस यहाँ पे चावल भी बन गए हमारे, और आलू के साथ पापा बना रहे हैं, फीस फूस कल मैंने दे दिए थे, तो पापा कहते हैं खुद बना लो, मतलब बनाओ, तो पापा बना रहे हैं, और मैं चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा मुझे काम है कमरे में वो निपटा लेती हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद काम नहीं और भी आने वाले हैं, तो तब खाना खाएंगे, खाना तो अभी खाएंगे मतलब। और एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, रुको, हाँ जो गढ़वाले होंगे उनको तो पता है कि ये क्या है, ये है मीठे करेले होते हैं ना, उसका सुखसू, मतलब उसको सुखा के, और सुखसू ही बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता हिंदी में, मुझे नहीं पता क्या बोलते, क्योंकि बाहर मैंने कभी देखा भी नहीं है, घर आके देखा मैंने। तो ये मीठे करेले हैं, इसको सुखा रखे और बाद में इसकी सब्जी बनेगी।
पहाड़ों में मतलब ऐसे ही होता है पहाड़ों में कि कोई भी चीज ना वेस्ट नहीं होने देते, जैसे मूला वगैरह हो गया, मतलब मूली वगैरह होगी ना, एक तो होती है मूली जो पतली सी होती है, एक होता है मूला, तो उसमें क्या होता है कि उसको भी जब मतलब ऐसा है कि खाना खाने का मन नहीं, मतलब सीजन के टाइम पे ऐसा होता है ना, बहुत ज्यादा हो जाता है तो खाने का मन नहीं करता, तो क्या करते हैं उसको काट के उसको भी स्टोर करके रख देते हैं सुखा के, फिर बाद में उसके जब मतलब ऑफ सीजन होता है उस टाइम पे बनाते हैं, इतनी स्वाद लगती है इसकी सब्जी ना, तो आज शाम को बनाऊंगी मैं जब इसकी सब्जी, तब दिखाऊंगी आपको, ठीक है। आज मैं सोच रही हूँ कि इसी की बनाऊंगी, करेले की सब्जी बनाऊंगी, मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है, इसका साग भी बनता है, मतलब चावल के साथ खाने वाला साग, ठीक कितनी खतरनाक हो रही, मैंने बनाई भी नहीं, आदमी लग रही हूँ। तो गाइस हम सैर करने के लिए आ गए हैं और आज मेरे साथ कामनी मैडम भी है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है, 8 बज गए और नाश्ता हमने कर लिया है, बस बर्तन धोने के लिए पड़े हुए हैं, तो बर्तन धोते हैं, बाकी तो कुछ काम धाम आजकल है नहीं क्योंकि मौसम ही नहीं ठीक हो रखा, वरना गुडाई वाला काम स्टार्ट हो जाना था, लेकिन मौसम सेट नहीं बैठ रहा, तो है पहले फटाफट बर्तन धोते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस बर्तन पे धुल गए हैं, लेकिन यहाँ कमरे की हवा कितनी खतरनाक हो रखी है, मैं तो दवाई खा के मेरे पेट में दवाई के पेड़ उग जाएंगे कुछ दिन बाद, मेरे पेट में भी दवाई 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 खा रहे हैं हम कब से ना, मैं तो सच्ची के कंप्यूटर दवाई खाऊं वालों, इसकी स्मेल इतनी गंदी है, बहुत ज़्यादा गंदी, एक ही चीज़ से हाँ यो हाँ बस मैं खाती हूँ ना इस दवाई को, ये यहाँ से ऐसा ऊपर आती है। गाइस मैं ना इतना ज्यादा अलकस आ रहा है, इतना क्या बताऊं, हम मतलब सफाई करने के लिए अंदर बैठे हुए हैं और मन नहीं कर रहा, फिर सो जा रहे हैं, 9:30 हो गए, अब थोड़ी देर में खाना बनाने का टाइम हो गया, हो जाएगा मतलब, और मैं तो खा रही हूँ आम, कामनी के लिए रखा था कल से, कामनी ने खाया नहीं क्योंकि मैंने तो खा लिया था, पर वो गलते ना, और अब वो जो आम था ना वो बिल्कुल गलते ना हो रहा था, मुझे बहुत बेकार लगा, तो मैं गलते ना का मतलब होता है कि ना वो मीठा हो रहा था ना वो खट्टा हो रहा था, अजीब सा टेस्ट आ रहा था उसका, तो अब मैं दूसरा आम लेके आई हूँ, तो इसका टेस्ट देखते हैं कैसे है, फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, फिर आप भी लेके आना। तो ये आम है कितने रुपए किलो? 50। तो गाइस ये आम है 50 रुपए किलो और बहुत ही टेस्टी आम है, आप उसे खा सकते हो, आप उसको खा सकते हो, बहुत टेस्टी है, खुशबू बहुत अच्छी है, खा के बताती हूँ, रुको खा दो सबके सामने। क्लपड़ उसमें गोर से सामने और यहाँ साफ कर लेंगे, मैं ऊपर चलती हूँ, मैं ऊपर साफ कर लेती हूँ अपने कमरे वगैरह और सामने वाला कमरा। दादी की तबीयत आजकल खराब हो रखी है, नहीं खा रहे वो, पता नहीं क्या हो गया उनको, अजीब सा हो रहा है। ऐसे यहाँ तो हो गया साफ अच्छे से, मतलब हो गया सब कुछ, और अब इधर रहते हैं बाहर रहते हैं, और आज कौन भी अपना कमरा साफ कर रहे हैं, बड़ी मुश्किलों के बाद, बड़ी मुद्दतों के बाद, और इधर भी राशन कमरा वाला भी ये बड़ा शार्प हो गया अच्छे से, नीचे का काम तो निपट गया, अब ऊपर का संभालते हैं। और यार मेरे तो पता नहीं पैर में क्यों नस चढ़ रही है, मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कमेंट करके बताना कि प्रेगनेंसी में किसी के ऐसा हुआ है कि मतलब सोते सोते एक पैर की नस चढ़ जाए और ठीक ही ना ऐसा हो कि बिल्कुल भाई मरने वाली हालत होगी, वो दोनों पैर, अब तो दोनों पैर उचड़ने लगे, इतनी खतरनाक वाली नस चढ़ रही है ना, मजा आ रहा है। और मुझे काफी कमेंट्स आ रहे हैं कामनी के बारे में कि आप दोनों की बनती नहीं है लाना फलाना, तो ऐसा कुछ नहीं है, दो तीन दिन मतलब इस वजह से कर रहे हैं लोग कमेंट, क्योंकि परसों मैं सैर करने अकेले गई थी इस चक्कर में शायद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आपको पता है कि कामनी के दांत में प्रॉब्लम थी, तो वो उसको तोड़वाया, एक दो दिन तो उसको उसी में रेस्ट करने पर लग गया, और अब उसके बैक में पेन हो रही है उस वजह से, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी बनती नहीं है, मतलब जैसे हमारी बनती ना ऐसे ननद भाभी की तो किसी की बनती भी नहीं होगी, सच्ची बता रही हूँ मैं, तो हमारे बीच में क्या है कि बराबर का वो है, अगर मैं बोलती हूँ तो सुन लेती है, वो बोलती तो मैं सुन लेती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो फालतू कमेंट्स कर रहे हैं तो ना करें, क्योंकि
आपके पास शायद फालतू कमेंट करने के अलावा कुछ और कुछ काम धाम नहीं हो, लेकिन हमारे घर वाले भी हमारे कमेंट्स पढ़ते हैं तो हम तो माइंड नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि अब हमें आदत होगी कि लोग तो छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सोच समझ के कुछ भी लिखना होता है ना, तो थोड़ा सोच समझ के, और बाकी तो सब कुछ ठीक ही है। मैं तो हाथ पैर दोनों इतने दर्द कर रहा लेती हूँ। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, हो सके तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त।